हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गागी एजुकेशन। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने अपनी पिछली क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे पहले मैं आपसे प्रीवियस क्लासेस के बेसिस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर देम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, every real number is a complex number, true or false? क्या पूछा है मैंने? every real number is a complex number, क्या ये सही है या गलत है? यानी हर real number क्या complex number होता है? येस, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे? क्योंकि मैं अपने किसी भी रियल नंबर को ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ पर ए और बी मेरे क्या होंगे? रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी रियल नंबर ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया रूट टू। रूट टू को मैं कैसे लिख सकती हूँ? रूट टू प्लस आयोटा इंटू जीरो, ठीक है। और ये क्या है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, जहाँ पे मेरा रूट टू क्या है? एक रियल नंबर, और जीरो भी क्या है? मेरा एक रियल नंबर। सो रूट टू एक रियल नंबर तो है, बट ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। और कोई ले लेती हूँ, लेट थ्री लिया मैंने। थ्री को कैसे लिख सकती हूँ? थ्री प्लस आयोटा इंटू जीरो, ये भी क्या है? एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अगर a कोई मेरा रियल नंबर है, तो मैं a को कैसे लिख सकती हूँ? ए प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो। यानी मैं अपने किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ पर मेरा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? ज़ीरो। सो एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज़ ट्रू, ठीक है। सेकेंड है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर is a real number, true or false? हर complex number एक real number होता है, क्या ये true है या false है? It is false। क्यों? क्योंकि हर complex number जरूरी नहीं है कि real number हो। For example, 3 plus 2 iota, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, बट ये एक रियल नंबर नहीं है। ऐसे ही 2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, बट ये एक रियल नंबर नहीं है। ऐसे मेरे पास कितने सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर ज़रूरी नहीं कि एक रियल नंबर हो, सो इट इज़ फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन, ज़ीरो इज प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी? ज़ीरो प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है? क्या हो सकता है? ज़ीरो प्योरली रियल है, बट ज़ीरो प्योरली इमेजिनरी भी है। ऐसा क्यों? ज़ीरो को मैं क्या लिख सकती हूँ? ज़ीरो प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो, ठीक है। और ये प्योरली रियल है, क्यों? कब होता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल? इफ़ इमेजिनरी पार्ट क्या हो? ज़ीरो। और ज़ीरो का इमेजिनरी पार्ट क्या है? ज़ीरो। तो ये प्योरली रियल है, साथ में ही ये प्योरली इमेजिनरी भी है। क्यों? प्योरली इमेजिनरी कब होता है? अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या हो जाए? ज़ीरो, तो वो मेरा क्या हो जाता है? प्योरली इमेजिनरी। और ज़ीरो का रियल पार्ट क्या है? ज़ीरो। तो ज़ीरो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है। ज़ीरो ही एक इकलौता कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है सेम टाइम पर, ठीक है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं अपना न्यू टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये समझ आया?
अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अपने अलजेब्राइक ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन, मैंने मान लिया जेड वन एक मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ए प्लस आयटा भी मान लेती हूँ एक मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड टू क्या है, जेड टू मैंने मान लिया सी प्लस आयोटा डी, जहाँ पे मेरा ए और बी भी रियल है और सी ओ डी भी रियल है। अब मुझे करना है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, यानी जेड वन प्लस जेड टू किसके इक्वल होगा, जेड वन क्या है ए प्लस आयोटा बी, जेड टू क्या है प्लस जेड टू, जेड टू यानी सी प्लस आयोटा इंटू डी। अब मुझे इनको ऐड करना है, तो मैं इनको कैसे ऐड करूँगी, सिंपल है, इसका रियल पार्ट और इन दोनों का रियल पार्ट को ऐड कर दूंगी। इसका जेड वन का रियल पार्ट क्या है ए और जेड टू का रियल पार्ट क्या है सी, सो ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस सी, दोनों रियल पार्ट ऐड कर दिए, प्लस आयोटा आयोटा, और अब इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दूंगी ऐड, यानी बी प्लस डी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा जेड वन प्लस जेड टू, यानी मुझे अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने हैं तो मुझे उन दोनों के रियल पार्ट को ऐड करके लिखना है, प्लस साइन बीच में और फिर आयोटा और दोनों इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगी मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड। एग्जांपल देखते हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेती हूँ, 5 प्लस 3 आयोटा और एक लिया माइनस 6 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, Z1 मैंने मान लिया 5 प्लस 3 आयोटा और Z2 मैंने मान लिया माइनस 6 प्लस 2 आयोटा। अब मुझे करना है ऐड, Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल होगा, अब मुझे क्या करना है, इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट ऐड करना है, यानी 5 में क्या ऐड करना है माइनस 6 प्लस बीच में प्लस फिर आयोटा, और अब इसका इमेजिनरी पार्ट प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट 3 और इसका इमेजिनरी पार्ट 2, यानी 3 प्लस 2, और ये किसके इक्वल होगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस आयोटा 3 प्लस 2 यानी 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू 5। ठीक है, ऐसे हम एडिशन करते हैं, सिंपल है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 आयोटा, Z1 अब ले रही हूँ 2 आयोटा, ये भी एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 लेती हूँ माइनस 3। अब इनको कैसे ऐड करूँगी, Z1 प्लस Z2 क्या होगा, इसका रियल पार्ट प्लस इसका रियल पार्ट ऐड करना पड़ेगा। Z1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 प्लस 2 आयोटा, ऐसे ही Z2 को क्या लिख सकती हूँ, माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके रियल पार्ट में इसका रियल पार्ट ऐड करना है, यानी जीरो में माइनस थ्री ऐड करना है, जीरो माइनस थ्री प्लस आयोटा बीच में, अब इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट ऐड करना है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है टू और इसका क्या है जीरो, यानी टू प्लस जीरो, और ये किसके इक्वल हो गया, जीरो माइनस थ्री प्लस आयोटा इंटू टू। ओके, तो ये आ गया मेरे Z1 प्लस Z2 की वैल्यू, क्लियर। ठीक है, अब अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, यानी एडिशन मेरी क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अभी जैसे हमने क्या किया था, Z1 प्लस Z2 किया था, तो Z1 प्लस Z2 क्या आ रहा था, A प्लस C प्लस आयोटा B प्लस D, जहाँ पे मेरा Z1 क्या था A प्लस आयोटा B और Z2 क्या लिया था C प्लस आयोटा डी।
यानी अगर Z1 एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो मेरा एक क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है ये भी, ये भी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है ना, जहाँ पे अब मेरा रियल पार्ट क्या हो गया a प्लस सी और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया b प्लस डी। यानी अगर मैं किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव। क्या कहती है कॉम्यूटेटिविटी, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। यानी अगर मैं Z1 में Z2 ऐड करूं या Z2 में Z1 ऐड करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, सेम। ठीक है, ये कहती है मेरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अब मैं ले लेती हूँ 3 + 2 आयोटा ले लिया मैंने Z1 और Z2 ले लिया -5 + 3 आयोटा। अब मैं Z1 में Z2 ऐड करूंगी तो क्या होएगा, 3 - 5 - 2 प्लस आयोटा 2 + 3 यानी 5। तो Z1 प्लस Z2 -2 + आयोटा 5। ऐसे ही Z2 प्लस Z1 कर लेती हूँ यानी -5 + 3 क्या होएगा, -2 + आयोटा। अब क्या करना है, 3 + 2 यानी 5। तो -2 + आयोटा 5 - 2 + आयोटा 5 यानी Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। यानी एडिशन हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। थर्ड है एसोसिएटिविटी, यानी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। यानी पहले अगर मैं Z2 और Z3 को ऐड कर लिया मैंने, उसके अंदर Z1 ऐड कर लूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, पहले अगर Z1 प्लस Z2 ऐड कर लेती हूँ और फिर बाद में Z3 ऐड कर देती हूँ तो ये हमारी क्या आएंगी, दोनों वैल्यूज इक्वल। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेके हम ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमारी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मतलब मुझे क्या चाहिए, अगर मान लो a प्लस आयोटा b मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मेरे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है, अगर a प्लस आयोटा b में मैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, फिर से a प्लस आयोटा b। ऐसा क्या कौन सा नंबर हो सकता है, अगर मैं a प्लस आयोटा b में उसे ऐड करूं तो मेरा आंसर फिर से क्या आ जाए, a प्लस आयोटा b क्या हो सकता है, 0। और 0 मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ है। यानी अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 को ऐड करती हूँ तो वापस से मेरा वही नंबर आता है। तो यानी 0 क्या है, मेरी एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, ऐसा नंबर अगर उस नंबर को मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करूँ और मेरा रिजल्टेंट फिर से यही नंबर आए तो वो नंबर क्या हो जाती है, मेरी आइडेंटिटी। ठीक है, यानी अब एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, 3 + 2 आयोटा है, इसके अंदर क्या ऐड करूं जो मेरा फिर से 3 + 2 आयोटा आ जाए, 0 ही ऐड कर सकती हूँ, और कोई नंबर है, और भी कोई भी नंबर नहीं है। यानी 0 मेरी एक यूनिक आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी है, सॉरी फिफ्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स, यानी अगर मुझे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, फॉर एग्जांपल ए प्लस आयोटा भी एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं किसी नंबर को उसका इनवर्स बोलूँगी, अगर मुझे ऐसा नंबर मिल जाए, अगर मैं ए प्लस आयोटा भी में वो नंबर ऐड करूँ और मेरा आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्या है, 0। यानी मुझे एक ऐसा नंबर
ऐसा नंबर अगर उसे मैं ए प्लस आयोटा बी में ऐड करूं और मेरा आंसर क्या आना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो। अब ए प्लस आयोटा बी में क्या ऐड करूं ताकि मेरा ज़ीरो आ जाए, और वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होना चाहिए। सो मैं ए प्लस आयोटा बी में अगर उसका नेगेटिव ऐड कर दूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ए प्लस आयोटा बी का नेगेटिव यानी माइनस ए माइनस आयोटा बी। सो माइनस ए माइनस आयोटा बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल माइनस टू प्लस थ्री आयोटा है। अब मैं इसमें क्या ऐड करूं ताकि मेरा आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो। मैं इसमें क्या ऐड करूंगी, इसका नेगेटिव। माइनस टू प्लस थ्री आयोटा का नेगेटिव क्या होएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस टू टू, और ये क्या होगा, टू माइनस थ्री आयोटा। यानी टू माइनस थ्री आयोटा इज द इनवर्स ऑफ टू प्लस थ्री आयोटा। क्लियर। सो ये सारी प्रॉपर्टीज एडिशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एडिशन समझ आया कि एडिशन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड एलजेब्रिक ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन, यानी डिफरेंस करना है अगर मुझे किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर Z1 एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 माइनस Z2 किसके इक्वल होएगा। Z1 माइनस Z2 कैसे लिख सकती हूँ उसको, Z1 प्लस माइनस ऑफ Z2। ठीक है, यानी मुझे क्या करना है, अगर मुझे Z1 में से Z2 सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे क्या करना है, Z1 के अंदर क्या ऐड कर दूँ, नेगेटिव ऑफ Z2, और ऐड तो करना हम सीख के आए हैं, तो यानी बस मुझे क्या करना है, Z1 के अंदर नेगेटिव ऑफ Z2 ऐड कर देना है, और वो किसके इक्वल होगा, Z1 माइनस Z2। एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल Z1 लिया मैंने 2 आयोटा, Z2 मैंने मान लिया 5 प्लस 2 आयोटा। अब मुझे क्या करना है, Z1 माइनस Z2 निकालना है, तो क्या करूं, Z1 में क्या ऐड कर दूं, नेगेटिव ऑफ Z2, और Z1 क्या है 2 आयोटा प्लस नेगेटिव ऑफ Z2, Z2 का नेगेटिव यानी माइनस 5 प्लस सॉरी माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, और अब इनको ऐड कैसे करेंगे, इसके रियल पार्ट में इसका रियल पार्ट ऐड कर दूंगी, इसके इमेजिनरी पार्ट में इसका इमेजिनरी पार्ट कर दूंगी। इसका रियल पार्ट क्या है, ज़ीरो, और इसका रियल पार्ट माइनस फाइव, यानी ज़ीरो माइनस फाइव विच इज़ इक्वल्स टू माइनस फाइव प्लस बीच में। अब मुझे क्या करना है, इसके इमेजिनरी पार्ट में इसका इमेजिनरी पार्ट ऐड करना है, और साथ में आयोटा मल्टीप्लाई होगा, यानी टू माइनस टू यानी ज़ीरो। ठीक है, आयोटा इंटू ज़ीरो ज़ीरो, सो दिस इज़ इक्वल्स टू माइनस फाइव। ठीक है, क्लियर कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन। ओके, अब करते हैं थर्ड अलजेब्रिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर मुझे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उनको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, Z1 मान लेती हूँ क्या है, एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 भी मान लिया मैंने एक मेरा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मुझे क्या करना है, क्या निकालना है, Z1 into Z2 ये फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, जैसे हम रियल नंबर में मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही मल्टीप्लिकेशन कर दिए। Z1 की वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा बी। ठीक है, और Z2 की क्या है, c प्लस आयोटा डी। अब मैं इनको नॉर्मल जैसे हम रियल नंबर में मल्टीप्लिकेशन करते थे ब्रैकेट खोल के, सिंपल वैसे मल्टीप्लाई करना है। क्या करूं, a इंटू सी
ठीक है। अब आयोटा बी इंटू सी यानी आयोटा बी सी, देन ए ए इंटू आयोटा डी आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी इंटू आयोटा डी आयोटा बी इंटू आयोटा डी क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर और बी इंटू डी यानी बी डी। अब इसको कैसे लिख सकती हूँ, ए सी प्लस आयोटा बी सी, आयोटा इन दोनों में कॉमन ले लूँ तो क्या आया, आयोटा बी सी प्लस ए डी। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने, रूट ऑफ माइनस वन इज इक्वल्स टू आयोटा। तो यहाँ से हमारा क्या आया था, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन, यानी अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, माइनस ऑफ बी डी। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख लूँ, रियल पार्ट एक साथ और इमेजिनरी पार्ट एक साथ। इसका रियल पार्ट ए सी है, ए सी और बी डी माइनस बी डी, ये दोनों क्या है, रियल पार्ट, क्योंकि इसके साथ कोई आयोटा थोड़ी है मल्टीप्लाई में, और ए और सी तो मेरे रियल नंबर है ना, बी डी भी। तो ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा बी सी प्लस ए डी, ठीक है। यानी अब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या किया हमने इसमें सिंपल, इसको सॉल्व किया तो मैंने क्या किया, रियल पार्ट कैसे निकाल रही हूँ मल्टीप्लिकेशन में, ए को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सी से, यानी इसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट से मल्टीप्लाई, बीच में सब्ट्रैक्शन, इसका इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई इसका इमेजिनरी पार्ट, यहाँ से हमारा रियल पार्ट आ गया प्लस आयोटा। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके इमेजिनरी पार्ट को इसके रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ प्लस इसके रियल पार्ट को इसके इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, क्लियर। हम एग्जांपल करते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर होएगा। Z1 ले लेती हूँ 3 माइनस टू आयोटा, और Z2 क्या ले लेती हूँ 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, Z1 इंटू Z2 कैसे निकालूंगी, Z1 इंटू Z2, या तो सिंपल जैसे ऐसे ब्रैकेट खोलते ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल अगर हमें ये याद हो जाता है तो हम सीधा इसमें वैल्यू पुट करके मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। Z1 इंटू Z2 यानी 3 माइनस टू आयोटा इंटू टू प्लस फाइव आयोटा, ठीक है। अब क्या करूँ, ए सी निकालूँ, ए सी यानी 3 इंटू टू माइनस बी डी, बी डी यानी इसका इमेजिनरी पार्ट इंटू इसका इमेजिनरी पार्ट यानी माइनस टू इंटू फाइव, माइनस टू इंटू फाइव, ठीक है। ये आ गया हमारा रियल पार्ट प्लस आयोटा। अब क्या करूँ, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर दूँ यानी माइनस टू इंटू टू प्लस इसका रियल पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कर दूँ यानी थ्री इंटू फाइव, थ्री इंटू फाइव, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेती हूँ, थ्री इंटू टू सिक्स। अब ये क्या है, माइनस टू इंटू फाइव यानी माइनस टेन, एंड माइनस माइनस टेन यानी प्लस टेन, ठीक है, प्लस आयोटा। माइनस टू इंटू टू माइनस फोर, प्लस थ्री इंटू फाइव यानी फिफ्टीन। अब इसको क्या लिखूँ, सिक्स प्लस टेन यानी सिक्सटीन प्लस आयोटा, माइनस फोर प्लस फिफ्टीन यानी प्लस इलेवन, ठीक है। यानी अब हमारा आंसर क्या आ गया, 16 प्लस आयोटा इंटू 11, क्लियर। आया समझ कैसे होगी मल्टीप्लिकेशन, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, नहीं तो आप सिंपल अपने जो हमारा नॉर्मल मेथड है आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, जैसे हमने एडिशन में की थी वही सारी प्रॉपर्टीज़ अब मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सबसे पहले करते हैं क्लोज़र प्रॉपर्टी। क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो जो मेरा रिज़ल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, एक
कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी देखो हमने यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आ रहा है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, जिसका रियल पार्ट क्या है ए सी माइनस बी डी और जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बी सी प्लस ए डी। सो अगर हम किन्हीं भी दो या तीन जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। और क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है अगर Z1 मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी मेरा क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 into Z2 भी क्या होएगा एक इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिविटी। जैसे हमने एडिशन में की थी, क्या किया था, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो या तो Z1 प्लस Z2 कर लो या Z2 प्लस Z1, दोनों क्या होंगे इक्वल। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसमें मल्टीप्लिकेशन में, कॉम्यूटेटिव। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं कॉम्यूटेटिव, यानी Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल होता है Z2 इंटू Z1, यानी Z1 के साथ Z2 मल्टीप्लाई कर दो या Z2 के साथ Z1 को मल्टीप्लाई कर दो, मेरे आंसर क्या आएंगे इक्वल। ठीक है, अगर हम उसे जैसे हमने a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इसको खोलेंगे, अगर c प्लस आयोटा डी इंटू ए प्लस आयोटा बी कर रहे हो उसको खोलेंगे तो मेरे दोनों आंसर क्या आएंगे इक्वल। ठीक है, आप खोल के इसको ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, यानी Z1 इंटू Z2 टू Z3 इज इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। यानी अगर पहले Z2 और Z3 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया मैंने और फिर Z1 को मल्टीप्लाई करती हूँ जो आंसर आएगा, और इसके साथ देखती हूँ Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करती हूँ फिर Z3 को मल्टीप्लाई करती हूँ जो आंसर आता है Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके, और दोनों मेरे आंसर क्या आएंगे इक्वल आएंगे। ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हो, हर कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी अब मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। क्या होएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं उसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल अगर ए प्लस आयोटा बी मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मेरे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है, अगर मैं उसको a प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर क्या है a प्लस आयोटा बी। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है ऐसा जिसको मैं a प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करूँ और मेरा आंसर क्या है a प्लस आयोटा बी, किससे वन से, और वन क्या है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, वन को भी तो लिख सकते हैं वन प्लस आयोटा इंटू जीरो। वन क्या एक रियल नंबर एंड एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है जिससे अगर मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को तो मेरा आंसर फिर से वो ही नंबर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थ्री प्लस आयोटा इंटू जी आयोटा इंटू टू इसको मैं अगर वन से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर से मेरा क्या आएगा थ्री प्लस आयोटा इंटू टू, यानी वन क्या है मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, जीरो भी एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जीरो को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर से क्या आएगा जीरो। ठीक है, तो वन क्या है एक मेरी यूनिक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी वन ही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। ठीक है, अब आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी अब मेरे पास क्या एग्जिस्ट करता है,
कॉम्प्लेक्स नंबर में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी अगर मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, मेरे पास क्या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिससे मैं उस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ ए प्लस आयोटा बी को, और मेरा आंसर क्या आना चाहिए अब, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वन। क्या होगा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, है हमारे पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मैं वन से जिसको मैं ए प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करूं और मेरा आंसर आए वन। यस, क्या है वो नंबर, वन अपॉन ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब ये वन प्लस ए, वन अपॉन ए प्लस आयोटा बी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी तो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा मुझे, अभी तो ये वन अपॉन में है, अभी मुझे इसे रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट लिखना होगा। कैसे करते हैं अगर हमारा कोई डिवाइड में आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है, अब मुझे इसे शो कर देती हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये, कैसे करूँ, जैसे हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में रैशनलाइजेशन करते थे ना सिंपल, उसी तरीके से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड करना है ए माइनस आयोटा बी से। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, ए माइनस आयोटा बी और नीचे ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करूं क्या आता है, ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करनी है। कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट में ए स्क्वायर माइनस इसका इमेजिनरी पार्ट इंटू इसका इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बी और इसका है माइनस बी, यानी माइनस बी इंटू बी यानी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस आयोटा, अब क्या करना है मुझे मल्टीप्लाई में, इसका इमेजिनरी पार्ट इंटू इसका इमेजिनरी पार्ट यानी बी ए, फिर प्लस इसका रियल पार्ट इंटू इसका इमेजिनरी पार्ट यानी ए इंटू माइनस बी, ए इंटू माइनस बी यानी माइनस ए बी। ठीक है, क्या बी ए इज इक्वल्स टू माइनस ए बी होगा, ऑब्वियसली बी ए इंटू ए बी हो, बी ए इज इक्वल्स टू ए बी होता है ना, ये क्या है रियल नंबर है, टू इंटू थ्री इज इक्वल्स टू थ्री इंटू टू, तो बी बी ए को क्या लिख सकती हूँ, ए बी भी तो लिख सकती हूँ, तो ये क्या बन गया, ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू बी ए को क्या लिख दूँ ए बी, और यहाँ पे क्या है माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी ज़ीरो, तो ये किसके इक्वल हो गया, ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मुझे कैसे लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, यानी रियल पार्ट एक साइड प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट, इसको ऐसे लिख सकती हूँ ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या किया मैंने सिंपल, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में था, एक बार ए के साथ लिख दिया, बीच में माइनस था आयोटा और बी के अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये मेरा क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है मेरा रियल पार्ट माइनस आयोटा, और ये क्या है मेरा इमेजिनरी पार्ट बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी वन अपॉन ए प्लस आयोटा बी भी क्या है एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी मेरे पास एक हर नंबर की क्या है एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जो किसके इक्वल है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट एक चीज़, क्या जीरो की जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी जीरो को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरा आंसर क्या आ जाए वन, है कोई ऐसा नंबर जीरो से को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा वन तो नहीं आएगा, यानी
जीरो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी सारे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी a प्लस आयोटा b क्या होना चाहिए मेरा, नॉन जीरो, ठीक है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सो a प्लस आयोटा b नॉन जीरो होगा, ठीक है, a प्लस आयोटा b तभी तो नॉन जीरो होगा जब a भी नॉन जीरो हो, a नॉन जीरो हो, दोनों एक साथ, a जीरो नहीं होना चाहिए, b भी जीरो नहीं होना चाहिए सेम टाइम पे, ठीक है, ये थी हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। अब लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, क्या है सिक्स्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी z1 इंटू z2 प्लस z3 इज इक्वल्स टू z1 इंटू z2 प्लस 3 किसके इक्वल होएगा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3, यानी हम इसको ऐसे अंदर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं और ये दोनों वैल्यू क्या होंगी इक्वल, ठीक है, ऐसे ही z2 प्लस z3 इंटू z1 वो किसके इक्वल होगा z2 इंटू z1 प्लस z3 इंटू z1, ये क्या है मेरी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या थी मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीज़न पढ़ेंगे और कुछ और फर्दर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।